वाराणसी जैन समाज देश का भामाशाह, जैन समाज को मिले केंद्र और प्रदेश में मंत्री पद, मरेंद्र जैन। उपरोक्त उद्गार भारतवर्ष में जैन समाज के प्रमुख स्तंभ और श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मरिंद्र जैन ने व्यक्त किया। नरिया स्थित दिगंबर जैन मंदिर के गणेश वन्नीशोभ संस्थान के सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते रहे थे हैं। श्री जैन ने इस अवसर पर महासमिति के भारत और विदेश में किए जा रहे समाज सेवा और जैन तीर्थ के विकास के संदर्भ में प्रकाश डाला। श्री मरेंद्र जैन भारतवर्ष में लोगों द्वारा जैन तीर्थों पर को कब्जा किया जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्नार जी को मुक्त कराने की मांग की। इस अवसर पर उपस्थित महासमिति के अध्यक्ष डॉक्टर के जैन और महामंत्री श्री राकेश जैन ने बताया कि अकेले सिर्फ जैन समाज भारत सरकार को 44% राजस्व देता है, परंतु कोई भी राजनीतिज्ञ दल जैन समाज को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं देता। आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में जैन समाज की प्रमुख भूमिका रहेगी। जो दल जैन समाज को सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व तो देंगे, जैन समाज उसके साथ जाएगा। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष प्रदीप चंद जैन, प्रमोद जी, विनोद जैन, अनूप जैन इत्यादि उपस्थित थे। जी, आज किस तरह का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है कॉन्फ्रेंस का? आज की कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि मेरा प्रथम बार बनारस आना हुआ। मैं सुनता रहता था, मुझे पूरी दुनिया घूमा, देश का हर कोना कोना देखा। पता नहीं कैसे मेरे पुण्य का उदय नहीं हुआ था कि मैं बनारस आना नहीं हो पाया। फिर हमारे राकेश जी, मनीष जी, बाकी डॉक्टर के जैन साहब, सभी लोगों की बहुत आग्रह था कि महासमिति इतने बड़े बड़े कार्य कर रही है यहाँ भी, तो कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो आकर के देखना चाहिए। कल मैं यहाँ पे सुबह पहुँचा और आने के बाद कल पूरे दिन हम लोगों का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहा। हमारा श्री गणेश बर्णी जी संस्थान का कार्यक्रम और महासमिति का मिलकर कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमने अपनी योजनाएं बनाई कि हम लोग किस तरह से, क्योंकि जैन समाज खाली जैनों के लिए काम नहीं करता है। जैन समाज के जो भी काम है वो जैनों के साथ साथ जैनेतर समाज, जैनेतर मतलब अन्य समाज को हम जैनेतर समाज बोलते हैं, उनके लिए भी बहुत ही प्रमुखता से होते हैं। मुझे आज वो घटना याद है, मतलब यंग था जब कच्छ में भूकंप आया था और हम लोग पहला 100 करोड़ का चेक देने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी जी को गए थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि पहला चेक लेके जैन समाज के लोग मेरे पास में आए हैं, जबकि वहाँ पे जो जिनके साथ में घटनाएं घटी थी उसमें सभी लोग जैन नहीं थे, बहुत अधिकतर 80% नॉन जैन लोग थे। तो एक ऐसी हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोग ऐसे समाज या ऐसे धर्म को मानने वाले हैं जिसका हर व्यक्ति छोटे से छोटा हमारे बच्चे के अंदर, क्योंकि हम लोग पैदा ही जो है अहिंसा और साकार का, हमारी माँ के दूध में हमको अहिंसा और साकार मिलता है और हमको सिखाया जाता है कि जितना तुमको जीने का अधिकार है, जैसा भगवान महावीर ने एक बहुत छोटा सा शब्द बोले, जियो और जीने दो, लेकिन कितने छोटे हैं, लेकिन उसमें पूरी दुनिया छिपी हुई है, दुनिया का सार छिपा हुआ है। तो हम लोगों के लिए दूसरी गर्व की बात है जो मैं बात करने के लिए आया था कि इस साल हमारा भगवान महावीर का 2550वां निर्वाणोत्सव हम लोग मना रहे हैं और उसके लिए एक रथ हम लोगों ने जयपुर से प्रारंभ किया था जो कर्नाटक होकर के कोचीन पहुँच कर केरल पहुँचा, वहाँ से तमिलनाडु होकर वापस कर्नाटक होकर गोवा आया और हर जगह उस रथ का स्वागत वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया। मुझे मतलब इस सब चीज़ को बताते उस रथ को हमने नाम दिया है अहिंसा रथ और हम उसके माध्यम से और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कहते हैं जियो और जीने दो और अहिंसा पर निर्भर। हमारे चौपाई के बारे में हमारे कई कई विद्वान जो कि रामायण महाभारत और अन्य ग्रंथों में महारथ हैं, उन्होंने उसी चौपाई का जो विवरण दिया है, जो उसके बारे में भावार्थ निकाले हैं वो बिल्कुल भिन्न है। तो अब किसकी मनोस्थिति क्या है, वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है और उसके मन में क्या विचार है, वो उन्हीं भावार्थ को लेकर के और किसी की निवेचना करता है। तो मैं ये कहूँगा जिस चीज़ को जन समुदाय मानता है वही मान्यता होना चाहिए, बजाय किसी एक व्यक्ति विशेष या वर्ग। ये श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतवर्ष में जैन समाज के प्रमुख स्तंभ हैं। अभी जो श्री समीर शिखर जी आंदोलन में आपने देखा था कि संपूर्ण भारत के जैन समाज ने आंदोलन किया था,
तो भारत सरकार से आपकी ही वार्ता हुई थी, आपकी वार्ता के बाद मंत्रालय से लिखित वचन मिलने के बाद श्री मणिन्द्र जैन के आह्वान पर जैन समाज ने भारतवर्ष के अपने आंदोलन को वापस लिया था। आदरणीय मणिन्द्र जैन जी अपना परिचय दे दें। मैं बतला रहा हूँ जी।